गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडे आई विल डिस्कस कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन और यूज ऑफ ब्रास एंड ब्रोंज। बेसिकली दोनों एलॉय है, एक गो एलॉय है कॉपर और जिंक का और एक गो एलॉय है कॉपर और टिन का। ब्रास जो है कॉपर और जिंक का एलॉय है। बेसिकली कॉपर जो रहता है 60 to 90% और यहाँ पे जिंक रहता है 40 to 10%। तो ये इसका कंपोजिशन रहता है। तो बेसिकली इसमें कॉपर और जिंक मिक्सचर होके ये ब्रास जो है फॉर्मेशन होता है। इसका जो प्रॉपर्टीज है दे हैव हाई स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। इसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत ही हाई रहता है। लेस थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज कंपेयर टू कॉपर। मतलब कॉपर के कंपेयर में क्या है, इसमें बहुत मतलब कम इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल दोनों जो है हीट और इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्टिविटी पास कम होता है। हाई कोरोजन रेजिस्टेंट मतलब छे होने के जो क्षमता होता है बहुत ही कम होता है, प्रोटेस्ट करता है बहुत ही ज़्यादा। यूज और एप्लीकेशन में बेसिकली हम लोग यूज फॉर इमिटेशन ज्वेलरी ड्यू टू इट्स गोल्ड लाइक कलर। इमिटेशन ज्वेलरी मतलब नकल करना या कृत्रिम जो होता है इसका गोल्ड कलर के जो हम लोग इससे नकली कोई भी ज्वेलरी हम लोग बना सकते हैं और हम लोग इसको और भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे हम लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसमें हम लोग यूज करते हैं। हाई टेंसाइल है इसलिए हम लोग इसमें पाम का रॉड्स प्रेसिंग ये सब बना सकते हैं या घर को मेंटेनेंस करने के लिए अट्रैक्टिव अपियरेंस के लिए भी हम लोग इसको ब्रास को जो है यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हो गया ब्रास। और दोनों जो है ब्रास और ब्रोंज कॉपर एलॉय, बेसिकली कॉपर का परसेंटेज इसमें ज़्यादा रहता है। अब हम लोग देखेंगे ब्रोंज। ब्रोंज जो है इट इज ए एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। इट इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। इट इज जनरली कंटेन 70 to 95% कॉपर एंड 5 to 20% टिन। जो कॉपर रहता है ठीक है, तो ये हम लोग है ब्रोंज का कॉम्पोजिशन। अब इसका जो प्रॉपर्टी इट इज कंपैरेटिवली हार्ड एंड रेजिस्ट सरफेस वेयर। इट हैज एंटी फ्रिक्शन बियरिंग प्रॉपर्टीज। इट हैज बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस देन ब्रास। ब्रास से भी इसका कोरोजन जो ये रहता है वो ज़्यादा रहता है। इसका जो अब हम लोग यूज जानेंगे क्योंकि इसका जो बियरिंग फिटिंग के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। स्प्रिंग एंड अदर इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स के लिए भी, डोर फिटिंग, विंडो फ्रेम, हाउस होल्ड इक्विपमेंट ये सब के हम लोग इसमें ब्रोंज को यूज करते हैं। तो ये बेसिकली था ब्रास और ब्रोंज का कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन।